नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलेंट्रेटा पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या सहित। हम आज इन प्रश्नों के हल को भी लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए हमारे साथ देख लीजिए आप फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं दोस्त आज का पहला प्रश्न क्या है, इसकी तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए जरा आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि फाइलम सिलेंट्रेटा अथवा निडेरिया, फाइलम सिलेंट्रेटा अथवा निडेरिया हैज द नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट, मतलब ये कह रहा है कि सिलेंट्रेटा अथवा निडेरिया में लगभग जो जातियों की संख्या होती है, जंतुओं की जातियों की संख्या लगभग कितनी है, निडेरिया में लगभग कितनी स्पीसीज शामिल हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि 900,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, कह रहा है कि 100,000 स्पीसीज हैं, कह रहा है 50,000 स्पीसीज हैं कि 10,000 स्पीसीज हैं। इसमें से सही आंसर कौन सा है दोस्त, 900,000 हैं कि 100,000 है कि 50,000 है कि 10,000 है। 900,000, ये लगभग इसको 1,000,000 के समतुल्य भी लिया गया है, लगभग में। ये जातियां लगभग में हैं दोस्त, ठीक है, यह भी लगभग में, ये भी और ये भी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका जो सही जवाब है दोस्त, हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है डी नंबर, लगभग 10,000 स्पीसीज है। किसके अंतर्गत, निडेरिया के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है, कितनी स्पीसीज इसमें शामिल है। देख लीजिए जरा, यहां पर लार्जेस्ट जो फाइलम है दोस्त, लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा जो फाइलम है वह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ही लगभग 900,000 स्पीसीज शामिल हैं, अर्थात 1,000,000 के लगभग में हैं। और मोलस्का में, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का है। तीसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है, प्रोटोजोआ। तो दूसरा जो सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का, इसमें लगभग 100,000 स्पीसीज है, जबकि प्रोटोजोआ में लगभग 50,000 स्पीसीज है। और जो निडेरिया है, निडेरिया में लगभग कितनी है, 10,000 स्पीसीज है दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, निडेरिया। ठीक है, ये तो लार्जेस्ट फाइलम की बात करा दोस्त। लार्जेस्ट फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का और तीसरा है प्रोटोजोआ। ठीक है, लेकिन कुछ फैमिली में सबसे बड़ी फैमिली क्या है, दूसरी सबसे बड़ी फैमिली क्या है और तीसरी सबसे बड़ी फैमिली क्या है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में ये फैमिली को भी। देखिए, लार्जेस्ट प्लांट फैमिली यहां पर देख रहे हैं, पहली सबसे बड़ी फैमिली कौन है, एस्टेरेसी अथवा कंपोजिटी, जिसमें सनफ्लावर है, सूर्यमुखी को शामिल है किया गया है, आप जानते हैं सूर्यमुखी। ठीक है, इसमें लगभग 24,000 स्पीसीज है दोस्त, 24,000 स्पीसीज है। दूसरी सबसे बड़ी जो फैमिली है वो है आर्चिडेसी, जिसमें आर्चिड है, कौन है, आर्चिड है, और इसमें लगभग कितनी जातियां हैं, 20,000 स्पीसीज हैं इसमें, दूसरी सबसे बड़ी फैमिली में। तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है फैबेसी अथवा लिग्युमिनोसी, ये फैबेसी में जैसे लगभग कितनी है, 18,000 स्पीसीज है। ये कौन सी है, मटर वाली फैमिली है दोस्त, पी वाली फैमिली है। ठीक है, तो आपने फाइलम को भी देखा, सबसे बड़ा फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम, तीसरा सबसे बड़ा फाइलम। उसी तरीके से फैमिली में भी मैंने बता दिया, सबसे बड़ी फैमिली है एस्टेरेसी अथवा कंपोजिटी, दूसरी कौन सी, आर्चिडेसी, और तीसरी कौन सी है, फैबेसी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है टर्म निडेरिया एंड स्टडी ऑफ निडेरिया इज कंसर्न्ड विथ, मतलब निडेरिया जो टर्म है किसने दिया, और कह रहा है कि निडेरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि ऑप्शन में यही है, साइंटिस्ट का नाम दिया है और एक ब्रांच दिया हुआ है। तो निडेरिया से, निडेरिया के टर्मिनोलॉजी से और निडेरिया के स्टडी से कौन सा इसमें विकल्प संबंधित है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है टर्म निडेरिया, कह रहा है गोल्डफस ने दिया और इसका अध्ययन कराता है प्रोटोजूलॉजी, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है किसके, इसका टर्म दिया था रॉबर्ट ग्रान और इसके स्टडी कहलाती है पैराजूलॉजी, बिल्कुल ये भी गलत, क्योंकि जानते हैं दोस्त ये है पोरीफेरा के लिए, पोरीफेरा टर्म दिया था रॉबर्ट ग्रान ने और पोरीफेरा का अध्ययन क्या कराता है, पैराजूलॉजी, और ये है प्रोटोजोआ से संबंधित, किससे संबंधित है, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ टर्म गोल्डफस ने दिया था, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटोजूलॉजी। और तीसरा ऑप्शन है ल्यूकार्ट, और
निडोलॉजी देख लीजिए जरा, ये निडेरिया जो टर्म है ल्यूकार्ट ने दिया है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, निडोलॉजी कहलाता है। चौथा ऑप्शन है नन, तो बिल्कुल ये इसका तीसरा ही ऑप्शन सही है दोस्त। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा इसका राइट है आंसर, ठीक है। कौन सा, निडेरिया टर्म ल्यूकार्ट, कॉइन्ड बाय द ल्यूकार्ट एंड स्टडी ऑफ निडेरिया इज कॉल्ड निडोलॉजी। चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ, इसकी व्याख्या क्या कहती है दोस्त उसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए यहां पर इसकी व्याख्या क्या है, टर्म गिवन बाय जो प्रोटोजोआ टर्म है किसने दिया, गोल्डफस ने दिया, गोल्डफस ने। पोरीफेरा टर्म किसने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने। और निडेरिया टर्म किसने दिया, ल्यूकार्ट ने दिया, ठीक है। और प्रोटोजोआ का जो अध्ययन है दोस्त, इसका जो अध्ययन है वो कहलाती है प्रोटोजूलॉजी। पोरीफेरा का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड पैराजूलॉजी, स्टडी ऑफ निडेरिया इज कॉल्ड निडोलॉजी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल दोस्त, यह लेक्चर आपके लिए कैसा होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जरा यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट इज द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किसकी उपस्थिति मुख्य लक्षण है सिलेंट्रेटा में, किसकी उपस्थिति सिलेंट्रेटा का मुख्य लक्षण है, इनमें से किसकी उपस्थिति सिलेंट्रेटा का मुख्य लक्षण है। कह रहा है पिनेकोसाइट, कह रहा है स्टिंगिंग सेल्स और अथवा स्पॉन्जोसील्स। चलिए ये सी ऑप्शन हो जाता है और डी हम दे देते हैं नन, डी ऑप्शन दे देते हैं आपको नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा भाई, ठीक है, फटाफट के अंदाज में बिल्कुल बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पिनेकोसाइट होगा कि स्टिंगिंग सेल्स होगा कि स्पॉन्जोसील होगा। स्पॉन्जोसील तो है नहीं, इसका सही जवाब हम आपको बता दे दोस्त, इसका राइट आंसर है बी नंबर, स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स किसे कहते हैं देख लीजिए, स्टिंगिंग सेल्स का दूसरा नाम क्या है दोस्त, हम आपको बता दें इसका नाम है निमाइटोसिस्ट। क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है निमाइटोसिस्ट। देखिए पोरीफेरा का करेक्टर था, मुख्य करेक्टर क्या था पोरीफेरा का, कोइनोसाइट सेल्स का पाया जाना जो फ्लैजिलेटेड थी। और सिलेंट्रेटा का मुख्य करेक्टर क्या है, इसका करेक्टर है निमाइटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स का पाया जाना, ठीक है। स्टिंगिंग सेल्स अथवा निमाइटोसिस्ट का पाया जाना, यह सिलेंट्रेटा का मुख्य करेक्टर है, ठीक है। देखिए सिलेंट्रेटा में आप जानते हैं कि ऑरेलिया है, ओबिलिया है, हाइड्रा है, ये तीनों को आपको पढ़ना है, ओबिलिया, ऑरेलिया और हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि कॉमन नेम ऑफ कोरेलियम इज, कोरेलियम का कॉमन नेम क्या है, कोरेलियम का कॉमन नेम क्या है। कह रहा है ब्रेन कोरल है कि ऑर्गन पाइप कोरल है कि रेड कोरल है कि मशरूम कोरल है, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कोरेलियम का कॉमन नाम क्या है, कोरेलियम का कॉमन नाम क्या है दोस्त, देख लीजिए जरा बिल्कुल बताएं इसका कॉमन नाम क्या है, इसका नाम है रेड कोरल। क्या नाम है दोस्त, रेड कोरल इसका नाम है, सामान्य नाम है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, रेड कोरल कोरेलियम, ठीक है। देख लीजिए जरा सम कॉमन नेम, सम कॉमन नेम आप यहां देख लीजिए, कुछ कॉमन नेम जैसे फंगिया, फंजिया का कॉमन नेम क्या है, मशरूम कोरल है। कोरेलियम का क्या है, रेड कोरल है। और मिनेंड्रियम का क्या है, ब्रेन कोरल है। और ट्यूबीपोरा म्यूजिका का नाम है, ऑर्गन पाइप कोरल है। और ओकुलाइना का आई कोरल है। और हेलियोपोरा का ब्लू कोरल है। तो इसे आप नोट कर लीजिए दोस्त, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो क्वेश्चन का लेवल है कुछ इस तरह से घुमा करके पूछा जा रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कोरल रीफ इज मेड अप ऑफ, कोरल रीफ किससे बना होता है, कोरल रीफ किसका बना होता है। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है, कि इनमें से कोई नहीं। कोरल रीफ किसका बना होता है, आप जानते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ठीक है, लार्जेस्ट कोरल रीफ है और ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कोरल रीफ किसका बना होता है, बिल्कुल बताएं इस, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है दोस्त, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कोरल रीफ। चलते हैं देखते हैं इसके व्याख्या को, इसकी व्याख्या क्या कहती है। देखिए यहां पर कोरल रीफ, देखिए जरा, ग्रेट बैरियर रीफ इज लार्जेस्ट कोरल रीफ,
ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी कोरल रीफ होती है और कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, लगभग 2160 किलोमीटर लंबी है, 2160 किलोमीटर लंबी है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए थोड़ा सा रीफ का जो है ये कहाँ बनती है रीफ, जैसे फ्रिंगिंग रीफ है, बैरियर रीफ है, कोरल रीफ है, एटॉल है, और यहाँ देख लीजिए कोरल रीफ फॉर्म्ड मोस्टली में एंथोजोआ एंड सम हाइड्रोजोआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि कोरल रीफ मोस्टली किस किस में बनता है, किस क्लास में बनता है, तो आपको बता दें मोस्टली किस में, एंथोजोआ में, सम हाइड्रोजोआ के द्वारा बनता है कोरल रीफ। और ये फ्रिंगिंग रीफ क्या होती है, ये ज्वालामुखी द्वीपों के तटों पर बनती हैं फ्रिंगिंग रीफ। और बैरियर रीफ कहाँ बनती है, ये किनारों से दूर बनती हैं कोरल रीफ, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं कोरल रीफ, और ये गर्म तथा छिछले समुद्र में बनती हैं। और एटॉल, एटॉल कहाँ होता है, ये लैगून के चारों ओर बनते हैं, लैगून के चारों ओर बनते हैं, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, उसको भी देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑरेलिया इज, ऑरेलिया का साइंटिफिक नाम क्या है, ऑरेलिया का साइंटिफिक नेम क्या है। अब यहां एक डी ऑप्शन दे देते हैं आपके लिए, नन, एक दे देते हैं नन, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, कह रहा है सीफर, ठीक है सीफर, सी एनिमोन और मून जेली। देखो सी समुद्री एनिमोन मैट्रिडियम है और सीफर क्या है दोस्त, यह है ओबिलिया है सीफर, और मून जेली या जेली फिश किसको कहते हैं, ऑरेलिया को कहते हैं, ऑरेलिया को। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है सी नंबर, ठीक है सी इज द राइट आंसर, ठीक है साइंटिफिक नेम ऑफ ऑरेलिया। इसके हम व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, ऑरेलिया, ऑरेलिया मून जेली, देखिए ये रहा कॉमन नेम ऑफ सम सिलेंट्रेट, ठीक है ऑरेलिया जेलीफिश के नाम से जाना जाता है और इसे मून जेली भी कहते हैं, मून जेली इसका साइंटिफिक नेम है। इसका दूसरा नाम क्या, जेलीफिश है। ओबिलिया का दूसरा नाम क्या है, सीफर कहते हैं इसको, सीफर, ठीक है ओबिलिया सीफर है, और जबकि सी एनिमोन मैट्रिडियम है और एडेमसिया, ठीक है एडेमसिया। फाइसेलिया को क्या कहते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाली का युद्ध पोत कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए जरा, अगला प्रश्न कह रहा है कि मेड्यूसा डोमिनेंट इन, मेड्यूसा किसमें डोमिनेंट होता है, मेड्यूसा किसमें प्रभावी होता है, कह रहा है कि ओबिलिया में, कि ऑरेलिया में, कि हाइड्रा में, कि एडेमसिया में, ठीक है किसमें डोमिनेंट होता है मेड्यूसा, ठीक है पॉलिप और मेड्यूसा ये दोनों हाइड्रोजोआ में हैं, ठीक है। जबकि जो मेड्यूसा है यह किसमें डोमिनेंट है दोस्त, ऑरेलिया में, ठीक है ऑरेलिया में, देख लेते हैं मेड्यूसा ऑरेलिया में डोमिनेंट है इसकी अभी। अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ मेड्यूसा ऑरेलिया में डोमिनेंट है, मेड्यूसा डोमिनेंट किसमें है, ऑरेलिया में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लार्जेस्ट क्लास ऑफ निडेरिया इज, निडेरिया का सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, कह रहा हाइड्रोजोआ है कि स्काइफोजोआ है कि एंथोजोआ है कि इनमें से कोई नहीं, बताइए लार्जेस्ट क्लास ऑफ निडेरिया, निडेरिया का सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, ठीक है सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, बिल्कुल बताएं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखिए जरा लार्जेस्ट क्लास कौन सा है, बिल्कुल एंथोजोआ ही है, एंथोजोआ, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन सहित हम आपको दिखाते हैं, एंथोजोआ एक्सप्लेनेशन सहित देखिए जरा इसके एंथोजोआ, यही इसका सही आंसर है सी नंबर। कहां से देख लीजिए जरा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा, जब पॉलिप और मेड्यूसा के आधार पर निडेरिया का क्लासिफिकेशन किया गया तो इसके तीन क्लास हैं, तीन क्लास कौन कौन से हैं दोस्त, हाइड्रोजोआ है, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में दोनों होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों डोमिनेंट होते हैं, दोनों होंगे, और स्काइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट होता है, जबकि एंथोजोआ में कौन डोमिनेंट होता है, पॉलिप डोमिनेंट होता है, पॉलिप डोमिनेंट होता है किसमें, एंथोजोआ में, ठीक है पॉलिप, पॉलिप एंथोजोआ। और स्काइफोजोआ में कौन डोमिनेंट है दोस्त, मेड्यूसा डोमिनेंट है, इसका एग्जांपल कौन है, ऑरेलिया, ऑरेलिया का जो लार्वा होता है इसका लार्वा है इफाइरा लार्वा, जबकि इसका हाइड्रोजोआ में कौन है, ओबिलिया है, हाइड्रा है और फाइसेलिया है। ओबिलिया का लार्वा कौन है, प्लेनुला, मैंने बताया था ओपी, ओ से ओबिलिया, पी से प्लेनुला और ए ई,
ई से इफायरा और ए से क्या अरेलिया, ठीक है अरेलिया। लार्जेस्ट क्लास आप देख रहे हैं, लार्जेस्ट क्लास कौन सा है, एंथोजोआ ही लार्जेस्ट क्लास है दोस्त, एंथोजोआ क्या है लार्जेस्ट क्लास है निडेरिया का, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको देखिए जरा, कह रहा है नंबर ऑफ टेंटकिल्स इन पॉलिप ऑफ ओबिलिया इज, ठीक है ओबिलिया के पॉलिप में, ओबिलिया के पॉलिप में टेंटकिल की संख्या कितनी होती है, ओबिलिया के पॉलिप में टेंटकिल की संख्या कितनी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट के अंदाज में, ठीक है। कितनी होती है 5 से 10 कि 10 से 15, 15 से 20 कि 20 से 30, कितनी होती है। वैसे मैंने आपको बताया था कि कितना होता है पॉलिप में 24 टेंटकिल्स और उसमें कितना 16, तो मोर देन 16 होता है किसमें भाई मेड्यूसा में, और पॉलिप में कितने 24, तो 24 तो है नहीं, 24 किसके रेंज में आ रहा है 20 से 30, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा डी नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी नंबर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए जरा टेंटकिल्स इन पॉलिप, पॉलिप में टेंटकिल्स कितने होते हैं 20 से 30, और टेंटकिल्स इन मेड्यूसा में मोर देन 16। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द लार्वा ऑफ फाइसेलिया इज, फाइसेलिया के लार्वा को क्या कहते हैं, फाइसेलिया का लार्वा क्या है दोस्त, फाइसेलिया के लार्वा को क्या कहते हैं बताएं जरा, फाइसेलिया के लार्वा को क्या कहते हैं, कह रहा है ए प्लेनुला कहते हैं, एनिफायरा कि एसिडिपिड लार्वा कि नन, ठीक है बताएं जरा। अभी मैंने बताया था ओपी, कहेंगे आप ओबिलिया का तो हो गया प्लेनुला, ओपी प्लेनुला जी हाँ बिल्कुल है, और इफायरा का कौन हो गया अरेलिया का हो गया, इफायरा सीडीपिड लार्वा हो गया किसका, ये हो गया टीनोफोरा का, किसका हो गया टीनोफोरा का, ठीक है टीनोफोरा का यह है लार्वा है टीनोफोरा का, ठीक है सीडीपिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए नंबर प्लेनुला लार्वा, ठीक है प्लेनुला लार्वा, फाइसेलिया का भी कौन सा लार्वा होता है प्लेनुला लार्वा, ठीक है। चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, प्लेनुला लार्वा ठीक है, देख लीजिए जरा यहां प्लेनुला लार्वा, यहां पर इसकी व्याख्या में प्लेनुला लार्वा किसका है ओबिलिया और फाइसेलिया में, इफायरा लार्वा ऑरेलिया में, सीडीपिड लार्वा टीनोफोरा में, सीडीपिड लार्वा किसमें है टीनोफोरा में है दोस्त, ठीक है। तो आपके लिए हम आज ये 10 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए थे। फिलहाल दोस्त आप लोग संख्या बढ़ाएं, थोड़ा लाइव सेशन का जो संख्या है भले प्रीमियर चल रहा है, संख्या को देखकर मेरा भी मनोबल बढ़ता है, संख्या यदि नहीं बढ़ेगी तो फिर प्रश्न नहीं बढ़ेंगे, फिर यह सीरीज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोस्त थोड़ा सा आप लोगों के संख्या को देकर के मेरा भी उत्साह वर्धन होता है, लेकिन आज उत्साह वर्धन उतना नहीं है क्योंकि संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो यदि नहीं बढ़ेगी तो फिर शायद असंभव सा जाए, क्योंकि आगे कुछ नहीं कहेंगे दोस्त। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके थैंक यू, जय हिंद।